1 फरवरी को संसद में बजट पेश होगा और बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस बजट को तैयार करने में जहां निर्मला सीतारमण कप्तान की भूमिका में है, तो वहीं उनकी टीम में 8 खास चेहरे भी शामिल हैं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। इस वीडियो में जानते हैं आखिर कौन है उनकी टीम के नवरत्न। सबसे पहले बात करते हैं टीम लीडर निर्मला सीतारमण की। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का 6ठा बजट पेश करेंगी। ये अंतरिम बजट होगा, लेकिन इस बजट भाषण के साथ ही वे पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई की बराबरी में खड़ी होंगी। मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल में 5 आम बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किया था। इस मामले में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा से भी आगे निकल जाएंगी। इन सभी को लगातार 5 साल बजट पेश करने का मौका मिला था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने वाली सीतारमण ने PM मोदी के कार्यकाल में वाणिज्य और रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। वह कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है। निर्मला सीतारमण की टीम में दूसरा नाम है TV सोमनाथन का, जो वित्त मंत्रालय में सबसे वरिष्ठ सेक्रेटरी हैं। वे तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। सोमनाथन अभी फाइनेंस सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी के पद पर हैं। इन्हें PM मोदी का करीबी माना जाता है और TV सोमनाथन ने अप्रैल 2015 से अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में काम किया है। इकोनॉमिक्स में PhD कर चुके सोमनाथन के इकोनॉमिक्स पर 80 से ज्यादा पेपर्स और आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। PMO के अलावा वे वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम कर चुके हैं। वित्त मंत्री की बजट टीम का तीसरा बड़ा चेहरा है IAS कैडर के 1987 बैच के IAS अफसर अजय सेठ, जो फिलहाल वित्त मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स में सेक्रेटरी हैं। अजय सेठ को भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सचिवालय के निर्माण की पहल के लिए भी जाना जाता है। पिछले साल भारत की अध्यक्षता में हुई G20 समिट के दौरान वह सुर्खियों में रहे थे। तुहिन कान पांडे भी निर्मला सीतारमण की टीम का अहम हिस्सा है। वह फिलहाल निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग में सेक्रेटरी हैं। तुहिन कान भी 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के IAS अधिकारी हैं। इन्हें एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन और LIC के देश के सबसे बड़े IPO में अहम भूमिका निभाई थी। टीम सीतारमण में अगला नाम राजस्थान कैडर के 1990 बैच के अधिकारी संजय मल्होत्रा का है, जो फिलहाल राजस्व सचिव है। इससे पहले वह डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड थे। अंतरिम बजट प्रक्रिया में टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की जिम्मेदारी संजय मल्होत्रा के कंधे पर ही है। इसके अलावा ये वित्त मंत्री के बजट भाषण के पार्ट बी का मसौदा तैयार करने के काम से जुड़े हुए हैं। टीम के अगले सदस्य हैं वी अनंत नागेश्वरन, जो एक लेखक और शिक्षक भी हैं। वह भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर हैं। नागेश्वरन को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सबसे करीबी सलाहकारों में गिना जाता है। वह वैश्विक स्तर में होने वाली किसी भी हलचल का भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभावों पर बारीकी से नजर रखते हैं। इनकी भी भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई G20 बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वित्त मंत्री सीतारमण के एडवाइजर्स ग्रुप में विवेक जोशी का नाम सबसे नया है। हरियाणा कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी जोशी साल 2022 के नवंबर महीने में ही वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में फाइनेंस मिनिस्ट्री में शामिल हुए थे। विवेक जोशी भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना कमिश्नर भी रह चुके हैं। भारतीय राजस्व सेवा में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी नितिन गुप्ता इस समय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या CBDT के चेयरमैन हैं। वह बजट में आयकर, कॉर्पोरेट कर और प्रत्यक्ष कर से जुड़े सभी प्रस्तावों को तैयार करने में मदद करेंगे। माना जा रहा है कि आम चुनाव से पहले पेश हो रहे इस बजट में उनका प्रस्ताव अहम होगा। आशीष बछानी तमिलनाडु कैडर में 1997 बैच के IAS अफसर हैं। वे इस समय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बजट डिवीजन में एडिशनल सेक्रेटरी हैं। एक तरह से कह लीजिए तो वह देश के चीफ बजट ऑफिसर हैं। वे कुछ बजट के लिए वेटरन अधिकारी माने जाते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक मैनेजमेंट और गवर्नेंस में पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त करने वाले बछानी को पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन का लंबा अनुभव है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए News18 India Originals के साथ।